नमस्कार, मैं हूं ज्योति विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर रायबली जनपद के लालगंज कोतवाली से है, जहां हिरासत में लाए गए युवक की मौत से बौखलाए परिजन। आपको बताते चले, ताज़ा मामला रायबली जनपद के लालगंज कोतवाली का है, जहां युवक की कोतवाली हिरासत में मौत हो गई। आपको बताते चले कि युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने रोड जाम कर वाहनों की तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिस पर पुलिस को भीड़ पर लाठियां भांजनी पड़ी। एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कोतवाल पर की कार्यवाही, कोतवाल को किया निलंबित। बाइक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए कोतवाली लाए गए युवक की पुलिस हिरासत में मौत से आक्रोशित लोगों ने कोतवाली का किया घेराव। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपी दारोगा पर कार्यवाही की मांग को लेकर फतेहपुर लखनऊ मार्ग को कोतवाली के सामने जाम कर दिया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि दलित युवक की पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दी। भड़के लोगों ने इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस के समझाने पर भी लोग नहीं माने, इस पर पुलिस ने लाठियां भांजकर लोगों को खदेड़ दिया। देर शाम कोतवाली पहुंचे डीएम और एसपी ने मामले को संज्ञान में लिया। एसपी ने तत्काल प्रभाव से कोतवाल प्रभारी को निलंबित कर दिया। डीएम ने कहा, मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी। मां ने दो दरोगा के विरुद्ध तहरीर दी है। बैजू का पुरवा बजरे बेटा कला निवासी मोहित उर्फ मोनू 21 वर्ष व उसके भाई सोनू पुत्रगण स्वर्गीय राम बहादुर उर्फ छेदी रैदास को पुलिस 26 अगस्त को भोर में घर से सोते समय उठा लाई थी। पुलिस का कहना है कि दोनों में से एक बाइक चोर की बाबत पूछताछ के लिए लाया गया था। पुलिस ने सोनू को 27 अगस्त को जाने दिया था, लेकिन मोनू को कोतवाली में बैठाए रखा था। रविवार को पता चला कि मोनू की कोतवाली में मौत हो गई। इससे परिवारी जन व गांव के लोग भड़क गए। आक्रोशित लोगों ने कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन चालू कर दिया। मौके पर पहुंचे लोगों को पुलिस ने बताया कि वह पहले से बीमार था, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने के समझाने पर भी आक्रोशित लोग नहीं माने, इस पर पुलिस ने लाठियां भांज कर लोगों को गांधी चौराहे तक खदेड़ दिया। मृतक रोहित उर्फ मोनू की मां राजवती ने पुलिस को तहरीर देकर दरोगा जेपी यादव और अरविंद मौर्य उसके बेटे 26 अगस्त को उठाकर लाए थे, जिसे उन्होंने थाने में निर्ममता पूर्वक पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। देर शाम कोतवाली पहुंचे डीएम वैभव श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक स्वपिन ममगई ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एसपी ने कोतवाली प्रभारी हरिशंकर प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं डीएम ने कहा कि मामले की मजिस्ट्रेटरी जांच कराई जा रही। एमएलसी धीरेंद्र बहादुर सिंह ने भी कार्यवाही की मांग की। अनिल प्रजापति, ब्यूरो लखनऊ मंडल, प्राइम न्यूज 24 की रिपोर्ट।